काफी समय से हमारे देश में फलों और सब्जियों को ताजा रखने के लिए उस पर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात तो है कि इन केमिकल वाली सब्जियों और फलों की शिकार आम जनता ही नहीं हो रही, बल्कि हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री भी इसका शिकार हो गए और उन्होंने फौरन जांच के आदेश दिए। दरअसल बीते दिनों पहले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को सलाद खाने की इच्छा जताई थी और अपने स्टाफ से रशियन सलाद की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने कहा। मंत्री के आदेश के बाद स्टाफ रशियन सलाद बनाने के लिए जरूरी सामान और फल लाने के लिए बाजार चला गया। बाजार से सामान और फल आने के बाद स्टाफ ने रशियन सलाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एक एक करके सभी फलों को ठीक से धोने की हिदायत भी दी। मंत्री की हिदायत के बाद स्टाफ ने बारीकी से फल धोना शुरू किया, लेकिन जब सेब को धोने की कोशिश की गई तो वो ठीक तरह से धुल नहीं पा रहा था। पानी से धोने पर सेब हाथ से फिसल रहा था। इसके बाद स्टाफ ने सेब को चाकू से कुर्चा तो उस पर वैक्स लगा हुआ मिला। वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने फौरन उस दुकानदार के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दे दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। असल में दुकानदार ने फल में बाहरी चमक लाने के लिए उस पर वैक्स लगा रखा था। फलों और सब्जियों पर कृत्रिम रंग और केमिकल के जरिए चमकीला बनाकर बाजार में ऊंचे दामों पर इन्हें बेचा जाता है। वेब 23 न्यूज के लिए राहुल की रिपोर्ट।